हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन योर चैनल फोकस सिविल वर्क। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि डिफरेंस बिटवीन मैन होल, इंस्पेक्शन चैम्बर, गुली ट्रैप, ये क्या यूज़ होते हैं हमारे इनसैनिटरी में ऑन वो जितने भी बिल्डिंग वर्क होते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो भी हम बिल्डिंग में हम यूज़ कर बिल्डिंग बनाते समय जब सैनिटरी का वर्क आता है, प्लम्बर का वर्क आता है, तो आपने देखा होगा कि वो मैनहोल बनाता है, ठीक है, चैम्बर बनाता है। तो दोस्तों, वो क्या 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 यूज़ होते हैं उन सब के, मतलब हम जहाँ भी देखा है कि जो भी कहीं अगर गड्ढा हो रहा है तो वो उसको हम कहते हैं मैनहोल। तो ये थिंकिंग जो होती है, बस एक ही चीज़ समझ रखी कि वो मैनहोल है। तो दोस्तों, वो मैनहोल क्या, उसमें भी दो तीन टाइप के हमारे यूज़ होते हैं। तो वो कैसे कैसे होते हैं, वो सेपरेट सेपरेट होती है, उनका वर्क होता है अलग अलग, जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उन तीनों का क्या वर्क होता है जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। एक तो मैनहोल यूज़ होता है, और इंस्पेक्स चैम्बर यूज़ होता है, और ट्रैप होता है, गुली ट्रैप होता है। तो उनका क्या वर्क होता है, बस मैं वही आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन बजा दें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है हमारा मैनहोल, ठीक है। ये हमारा लिखा हुआ है इंस्पेक्शन चैम्बर, जिसको हम IC बोलते हैं ड्राइंग में रीड किया जाए सिंबल से, और ये गुली ट्रैप। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो वर्क होता है, ठीक है, वो हमारा जो वर्क होता है वो सबसे पहले बता देता हूँ कि ये गुली ट्रैप क्या होता है। तो गुली ट्रैप दोस्तों वो होता है जिसको हम GT बोलते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं वॉल्वेशन यूज़ हो रहा है किचन में, ये सिंक वगैरह यूज़ हो रहा है। तो सिंक से जो जितना भी पानी आएगा, ठीक है, जो भी पानी आएगा, हमारे जो गंदा पानी होगा, ठीक है, तो वो हमारा जो आएगा वो सबसे पहले मैनहोल जो होता वो जो होता है वो आएगा GT मैनहोल में, GT चैम्बर में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं गुली ट्रैप। तो दोस्तों, मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ गुली ट्रैप कैसा कैसा होता है। फिर उसके बाद हमारा आएगा मैनहोल। अब मैनहोल क्या होता है, मैनहोल एक मैनहोल वो होता है, ये जो गुली ट्रैप और इंस्पेक्शन चैम्बर का जो कंबाइन करके जो होल बनाया जाता है उसको हम मैनहोल बोलते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया हमारा GT, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा कोई वैसा गंदगी पानी वानी होता, सिर्फ कपड़े धोने का, नहाने का और बर्तन धोने का पानी होता है, ना कि टॉयलेट वगैरह का जो पानी होता है, ठीक है। वो जो हमारा आता है टॉयलेट वगैरह का जो पानी आता है दोस्तों, तो वो आता है हमारा IC चैम्बर में, ठीक है, यानी कि IC यानी कि इंस्पेक्शन चैम्बर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको या जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा आ रहा है, ये वॉल्वेशन आ रहा है, तो वॉल्वेशन से आते आते सीधे कहाँ आ गया हमारा, ये GT में, ठीक है। अब ये हमारा है, ये हमारा आ गया GT में यानी ग्लू ट्रैप, और ये हमारी टॉयलेट है, टॉयलेट शीट है। अब टॉयलेट शीट का जो ये लाइन आ रही है, ये आ रहा है हमारा IC, आप इसे देखिए IC है यानी कि इंस्पेक्शन चैम्बर, ठीक है। जैसे कि ये टॉयलेट शीट है, टॉयलेट शीट से आ रहा है सीधा पाइप आ रहा है, ये आ रहा हमारा IC में, ठीक है। तो दोस्तों, इनका क्या मतलब होता है, ठीक है, इनका क्या यूज़ होता है और हमारा क्या मतलब। अब जो ये जो दो जो चैम्बर है ये अलग अलग इसलिए दिए गए क्योंकि इसमें इतना गंदा पानी नहीं होता, सिर्फ हाथ धोने का, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का वगैरह वगैरह किचन वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। वॉल्वेशन के नीचे जो पाइप लगाते हैं, पाइप लगा के जो आता है वो पानी, वो हमारा GT में आता है। और जो हमारा टॉयलेट वगैरह का जो पाइप होता है, वो जो हमारा उसके लिए एक चैम्बर बनाते हैं, वो इंस्पेक्शन चैम्बर होता है। और जो इन दोनों का जो कंबाइन होता है, तो दोस्तों हम उसको बोलते हैं मैन होल, ठीक है। अब इसका क्या होता है, मैनहोल का क्या यूज़ होता है, कोई भी हमारी टॉयलेट में ये गुली ट्रैप का और इंस्पेक्शन चैम्बर जो देते हैं, हम क्यों देते हैं। तो जैसे कि हमारा कोई भी अगर हमारा वो कपड़े धोने के यानी वॉश बेसिन में या किचन के सिंक में कोई भी दिक्कत आती है, पानी नहीं जा रहा है, तो हम सीधे डायरेक्टली मैनहोल को ना खोल कर, मैनहोल में ना देख करके गलती कहाँ या कमी कहाँ या क्या कहाँ रुकावट है, वो हम सीधे चेक करेंगे हमारे GT में यानी कि गुली ट्रैप में। अगर उसमें हमें नहीं मिलेगी हमारी कमी जो भी हुई है, तो हम देखेंगे मैनहोल में, ठीक है। अब ऐसे ही टॉयलेट वगैरह में क्या होता है, पानी की दिक्कत आती है, पानी नहीं जा पाता है या टॉयलेट सीट बंद हो जाती है, तो वो चीज़ हम जो प्रॉब्लम आती है वो हम सीधे ना मैनहोल में जाकर वो हम खोलेंगे IC चैम्बर में, ठीक है। उसमें क्या होगा, इंस्पेक्शन चैम्बर में खोलेंगे, जिससे कि अगर उसमें अगर कोई चीज़ अगर हमारी जो भी रुकावट है वो अगर मिल जाती है तो हम मैनुअल में नहीं जाएंगे, और अगर नहीं मिलती है तो हम सीधे मैनुअल में जाएंगे। क्योंकि मैनुअल क्या होता है, मैनुअल में ही क्या होता है, दोनों का जो कंबाइन होता है, जो जो बेस्ट चीज़ होता है, जैसे कि टॉयलेट वगैरह होती है, लेटरिन वगैरह होती है, वो सब एक साथ हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बस यही बताने वाला था कि हमारे जो सैनिटरी ड्राइंग में और सैनिटरी वर्क में जो हमारे दो तीन तरह के चैम्बर यूज़ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। एक तो इंस्पेक्शन चैम्बर हो गया, जो कि हमारा क्या
होता है उसमें सिर्फ हमारा आएगा टॉयलेट लेटरिन वगैरह आएंगी, और जो हमारा जीटी गुली ट्रैप जिसको बोलते हैं वो अगर वो जो वो गुली ट्रैप जो होते हैं जो गुली ट्रैप मैनुअल होता है वो अगर उसमें कोई पानी आता तो वो पानी कौन सा होता है, और इन सबको जो दोनों को कंबाइन करके जो मैनुअल बनता है जो जो गड्ढा वो कहते हैं उसको वो मैनुअल होता है उसी को हम मैनहोल कहते हैं, इसीलिए इन दोनों को कंबाइन करके जो बनता है उसी को मैनुअल बोलते हैं, इसीलिए इसको मैनुअल बोलते हैं। ऐसे ही ये सारे थ्रू आउट मैनुअल जा रहे हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और प्रेस बेल आइकन को बजा दें। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।